हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीके ऑनलाइन पेपर। तो आप सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में एक ही क्वेश्चन का जवाब देना कि वीडियो में क्वालिटी कैसी आ रही है, मतलब आवाज़ की ठीक आ रही नहीं आ रही। काफ़ी वीडियो में आवाज़ नहीं आती तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कोई ना, काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं कब से सोच रहा था वीडियो बनाने की लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। तो हम बताने वाले हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का जो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर होता है, केमिस्ट्री का ये लास्ट पेपर होता है, केमिस्ट्री के तीन होते हैं तो लास्ट पेपर है सॉरी। तो इसको हम बताने वाले हैं, और कोई प्रॉब्लम आए तो 88 24 59 31 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना बीके ऑनलाइन पेपर का, उसमें कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। और वीडियो को पूरा देखो अगर 2024 में आपको पास होना है अच्छे नंबर से। 2023-24 का जो सेशन चल रहा है, आपको पता है सेमेस्टर वाइज सिस्टम हो गया, राजस्थान प्रदेश के अंदर से राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2 बार परीक्षा लगेंगी। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलग है तो भी ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो राजस्थान प्रदेश की तरफ से बहुत सारी है। मैं नाम लूँ कि ये स्पेशल किस किस के लिए है, अलवर, भरतपुर, शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, एमजीएसयू, एमडीएसयू और कोटा यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी अलवर भरतपुर बता दिया, मध्य यूनिवर्सिटी अलवर बता दिया। और इसके साथ साथ यूपी एमपी में जैसे एमजेपीआरयू, रोहिलगढ़ यूनिवर्सिटी जो है बरेली वाली, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहरिया लोहिया, अवध विश्वविद्यालय, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिलेबस है सभी में सेम होता है। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ जिनसे आप पास हो जाएंगे। अगर अच्छे नंबर चाहिए, परसेंटेज बनानी है, तो ये पेपर आपको बाई करना पड़ेगा, जो भी प्राइस है एप्लीकेशन में मिल जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ जानकारी के लिए, व्हाट्सएप पे आप पेपर ले सकते हैं या फिर उसमें ले सकते हैं, लेकिन पास तो ये इस वीडियो को देख के हो सकते हैं आप, गारंटी के साथ कहता हूँ। तो बस पास के लिए तो वीडियो बना रहा हूँ, वरना आपको पेड ये लेना होता तो मैं वीडियो क्यों बनाता। अगर आपको पास होना है तो वीडियो देख लो, अगर आपको ज़्यादा परसेंटेज बनाने तो पेपर बाई कर लेना। यहाँ पर यूनिट से एक दो क्वेश्चन आते हैं, एक करना होता है, हर यूनिट में से एक दो क्वेश्चन आते हैं, हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से कौन कौन है मेरे पास से कॉमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। रिजल्ट आपको पता ही है क्या रहता है बीएससी में, कितने स्टूडेंट फेल होते हैं भाई। 2023 का रिजल्ट आप देखोगे, सॉरी मार्कर गलत उठा लिया, चल नहीं रहा 2023 का आप, सॉरी प्रॉब्लम चल रही है मार्कर। 2023 का रिजल्ट आप देखोगे ना तो फेल कितने हुए पता है, 55% फेल हुए थे पिछले साल। तो रिजल्ट ख़राब क्यों होता है, डबलिंग करते हैं, पढ़ते नहीं, आपके पास सेमेस्टर हो गया, कैसे नहीं पढ़ोगे देखते हैं। तो कोई ना, अब मैं यहाँ पर मार्कर तो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, मैं बोल के लिखाता हूँ, आप लिख लेना एक ही क्वेश्चन ना। तो मैं साइड में को जाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है द्रव क्रिस्टल क्या है, इसके विभिन्न प्रकार होते हैं द्रव क्रिस्टल के, जितने भी है 2 3 4 सब याद कर लेने। आपने क्लासेस ली होगी हमारी तो आपको पता चला होगा, एप्लीकेशन में हमने पूरा पढ़ाया था, एक एक टॉपिक पढ़ाया था। तो सब कुछ आप पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है उसमें, एप्लीकेशन में क्लासेज वगैरह बिल्कुल फ्री में थी। क्लासेज 300 या फिर 200 रुपये प्राइस थी, 300 400, और पूरी क्लासेज चली थी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। कोई ना, नहीं ली तो आप पढ़ लेना अब, या फिर आप नोट्स पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन पर आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, नहीं वो ना आपके पास होंगे, बस क्वेश्चन नोट कर लो आप पास होना है तो। तो मैंने काफ़ी जानकारी दे दी, सॉरी मच्छर बहुत खा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया द्रव क्रिस्टल क्या है, इसके विभिन्न प्रकार बताने हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री 2023-24 का जो सेशन आने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सभी यूनिवर्सिटी के लिए है तो नोट करो। द्रव क्रिस्टल क्या है, इसके विभिन्न प्रकार बताने हैं। नेक्स्ट है मेसोमॉर्मिक अवस्था क्या है, द्रवों का आयरिंग सिद्धांत क्या है, द्रवों का आयनिक सिद्धांत क्या है, प्रकीर्णन प्रभाव क्या है बताना है कंप्लीट, और वैन डेर वाल समीकरण है ये आपको पूरा याद करना है, इसकी सीमा भी। नेक्स्ट सात खंड सेल क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्मोग्राफी क्या है, ये क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, अब ये आपको पक्का इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, पूरा पेपर वाई करना। आप देखो मैंने यहाँ पर डिवाइड केमिस्ट्री अंदर डिवाइड होकर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन आ गया वैन डेर वाल वाला एक नंबर में, फिर एक नंबर में आ गया प्रकीर्णन प्रभाव, 2 नंबर में फिर आ गया द्रवों का आयरिंग सिद्धांत, और 6 नंबर में आ गया द्रव क्रिस्टल क्या है इसके विभिन्न प्रकार। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा 6 नंबर में, मैं बोल रहा हूँ ना पासिंग होने के लिए, पासिंग मार्क के लिए बहुत कुछ हेल्प बताने वाला हूँ, तो देखते रहो बस। और आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है बता देना, क्योंकि काफ़ी बार वीडियो में आवाज़ नहीं आती। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर वाले और आपके भाई बहन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में सभी को चैनल के बारे में बताना, लाइक सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको अच्छी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन तो मिलती रहेगी, अच्छी नहीं तो नॉर्मल, कि आप बीएससी में पास हो जाएंगे। रिजल्ट कितना ख़राब रहता है आप खुद को पता होगा पिछले साल कैसा रहा था। तो पास होना है तो पढ़ो, और पेपर वाई करना है तो 88 24 59 31 8824 5951 31 पर कॉन्टैक्ट करो, व्हाट्सएप या फिर कॉल,
कॉल तो बहुत बिजी रहते हैं, व्हाट्सएप पे आपको पेपर मिल जाएगा या फिर एप्लीकेशन में बाई कर लेना, पेपर डायरेक्ट मिल जाएगा एग्ज़ाम टाइम पे। एग्ज़ाम टाइम से 15-20 दिन पहले पेपर मैं अपलोड कर देता हूँ, आपके जब भी एग्ज़ाम हो पेपर बाई कर लेना, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हो सभी का सिलेबस सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल थॉमसन प्रभाव क्या है, वर्ग माध्य मूल मान क्या है। एक ही नंबर है, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है। जूल थॉमसन प्रभाव क्या है, अवस्था सांतत्य क्या है, ये दो टॉपिक हो चुके हैं दो दो नंबर में, एक वर्ग माध्य मूल मान तीन हो गए और बंडरवाल वाल समीकरण मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट ब्रैग समीकरण क्या है, ठोसों का बैंड सिद्धांत, पक्का इनमें से एक पक्का मिलेगा दोनों में से, ब्रैग समीकरण या फिर ठोसों का बैंड सिद्धांत। और तीन नंबर में आ सकता है शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष के अंदर अंतर, ये याद कर लेना है। और दो टॉपिक और है जो छोटे तीन तीन नंबर वाले, सममित तल और सममित अक्ष, एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा इन सब में से। अब देखो सब तो मैं बता नहीं सकता, टर्म एंड कंडीशन काफ़ी है ना अपनी, तो सब तो बता नहीं सकता, देख सकते हैं काफ़ी सारा बना रखा है। और अगला क्वेश्चन स्टार्ट है अगली यूनिट से, ब्राउनी गति क्या है, स्वर्ण संख्या क्या है, अपोहन क्या है, हार्डी सोल्जे नियम क्या है। ये 12वीं के पूरे टॉपिक है, मतलब 10, 11वीं, 12वीं जिसने अच्छे से पढ़ा होगा ना BSc में अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। और अगली यूनिट आपकी स्टार्ट होती है इसके अंदर से टिंडल प्रभाव, और लास्ट में नोट कर लो टिंडल प्रभाव। और अगला क्वेश्चन है कोलाइडी विलीन के अनुप्रयोग, और तीन नंबर में आ सकता है सॉल बे पायस में अंतर, वैद्युत कण संचलन, बस इतना काफ़ी है। अब इसके बाद आता है आपका लास्ट यूनिट है शायद ये, और इसके अंदर से सबसे अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं, सबसे अच्छे नंबर, क्योंकि यूनिट भी इजी है, क्वेश्चन भी इजी आता है, हर साल फिक्स सही क्वेश्चन आते हैं। भाई मेरे को 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं मैं कितनी वीडियो बनाता हूँ और कितने क्वेश्चन मिलते हैं। 2023-24 का आपको पैटर्न पता चलेगा ना, तो समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरीके से वीडियो में जो बताता हूँ वो सब कुछ मिलता है। तो बस उसी हिसाब से आपको देखना है, जिससे आपको सब कुछ समझ में धीरे धीरे, देखो अगर आपका यहाँ भी ध्यान होगा ना मेरे ऊपर, तो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा पता है, और यहाँ होगा ना तो धीरे धीरे ऊपर, सब कुछ चला जाता है भाई, टाइम लगता है। तो कोई ना, आप देखते रहो आपके हिसाब से, जो भी होगा मैं जानकारी पूरी दे रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ तो जानकारी पूरी भी मिलेगी आपको। तो कोई ना, क्वेश्चन नोट करो, और ये क्वेश्चन पढ़ के आप पास पक्का हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ पास तो पक्का है, फेल तो कोई होगा नहीं अगर क्वेश्चन पूरे पढ़े तो। और भाई थोड़ी परसेंटेज बनानी है कि पास हो जाएंगे, वैसे इतना है इसमें से। नेक्स्ट है अभिक्रिया की कोटि व अणुसंगता में अंतर आपको बताना है, अभिक्रिया की कोटि अणुसंगता में अंतर। और अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करने वाले विविध विधि होती है, विभिन्न अलग अलग विधि होती है, उनका आपको समाकलन के द्वारा बताना है। और जो अभिक्रिया की कोटि है, जैसे प्रथम अभिक्रिया की कोटि, द्वितीय, तृतीय और छदम कोटि की, तीन या चार है याद करनी है, एक पक्का आएगी एग्जाम में, सॉरी कॉल आ रहा है तो कोई ना बाद में अटेंड करेंगे, एक पक्का आएगी। और ये हो गया, चलो एक और, अब नहीं देखो काफ़ी हो चुके हैं, अब पूरे नहीं बता सकता ना, पास हो जाएंगे ना उसे, एक पक्का मिल जाएगा, एक ही तो बताना है आपको बस, अब पूरे नहीं बता सकता ना भाई इसमें सब, ये तो पूरे है तो पूरे बता दूँगी आपको मैं। अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे कुछ इसका, वीडियो को स्किप करके, सॉरी अब कुछ कोशिश करेंगे यहाँ पे वीडियो को स्किप करके, रोकने की, जूम करने की, क्या बताया है, क्या पेज पलटा है, कोई ना यहाँ पे लिख रखा है अलग पेज में आपको अलग क्वेश्चन मिलने वाला है, ऐसे तो हर कोई स्क्रीनशॉट ले लेगा इसका, ऐसे थोड़ी ना है, यहाँ पे पासिंग मार्क वाले क्वेश्चन लिए मैंने। तो BSc पार्ट फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री, तो अच्छे से पढ़ो पास हो जाएंगे। और लाइक सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, क्योंकि उनमें क्वेश्चन आते हैं एग्जाम टाइम पर, लाइव आके मैं सॉल्यूशन देता हूँ, लाइव आता हूँ और बिल्कुल बताता हूँ तुम्हें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कल पेपर आने वाला है तो कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है। BSc वालों बिल्कुल गौर से सुनो,
लाइव आता हूँ एग्ज़ाम से पहले, जैसे एग्ज़ाम कल है तो इवनिंग में 8, 9, 10 बजे कभी भी लाइव आ सकता हूँ, मैं नोटिफिकेशन डाल देता हूँ पोस्ट में। तो आप लाइक सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। बीएससी में अच्छे नंबर से पास होना है तो बीएससी के अंदर रिजल्ट कितना ख़राब रहता है अब आपकी मर्ज़ी है भाई। मैं बता सकता हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से कौन कौन है कमेंट बताना, दौसा से कौन कौन है, और भरतपुर अलवर से सभी स्टूडेंट अपने यहीं के हैं, और अलग अलग यूनिवर्सिटी वाले भी हैं, लेकिन सभी की हेल्प होगी इस वीडियो से, क्योंकि मैं सबका सिलेबस देख के वीडियो बनाता हूँ। तो कोई ना, काफ़ी वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अब वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इनके आंसर चाहिए ना आपको तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप आंसर नोट कर सकते हैं।